हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक कंट्रोल सर्किट बोर्ड है, आईआर बोर्ड है। इसे आप कहीं से भी रिमोट के द्वारा आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5 रिले आप देख रहे होंगे लगा हुआ है, और इसका जो आईसी नंबर है, मेन आईसी नंबर इसका मिटाया हुआ है। तो इससे हमने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी रिसर्च के बाद अभी तो पता नहीं चला है कि इसमें कौन सा आईसी का यूज़ किया गया है, लेकिन इसके और भी सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके आज जानकारी मैं दे दूंगा, और जैसे ओ आईसी के बारे में पता लग जाता है तो उस पर वीडियो मैं लेकर आ जाऊँगा। इसमें चलिए, जो फर्स्ट बात है, इसमें आपको चाहिए 5 रिले चाहिए, जो कि 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का आप रिले यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दूसरा बात है, आईआर सेंसर चाहिए, जिसे हम लोग टीसॉप कह सकते हैं, वो आपको 1738 चाहिए। थर्ड में चाहिए आपको ट्रांजिस्टर, जिसका रेटिंग होगा BC547, 5 पीस आपको चाहिए। और जो चौथा में चाहिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, रजिस्टर। पहला जो चाहिए आपको रजिस्टर, 1 किलो ओम का चाहिए आपको 5 रजिस्टर, और फिर 2 रजिस्टर आपको 100 ओम का चाहिए। अब पांचवा का बात करते हैं, तो पांचवा में आपको एलईडी लाइट चाहिए, बहुत स्मॉल वाला जो एलईडी लाइट होते हैं, जो कि आप इस प्रकार देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, आपको 5 पीस चाहिए। और कैपेसिटर चाहिए यहाँ पे आपको 2 पीस, जो कि एक का रेटिंग होगा 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का, और दूसरा होगा 16 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड का। सातवां में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल डायोड चाहिए 5 पीस, जिसका वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज रेटिंग होगा 5 वोल्ट का, या तो फिर आप 1N4001 यहाँ पे डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल डायोड के जगह पे। और दोस्तों, जो यहाँ पे आठवां बात है, इसमें ट्रांजिस्टर चाहिए आपको, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होगा। इस पर हमने एक वीडियो बना दिए हैं, अगर आप ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं जानते तो उसे आप देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको 7805 टेक ट्रांजिस्टर चाहिए, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर होगा, आईसी होगा, जो कि हम लोग इस सर्किट में 12 वोल्ट को देंगे और इस सर्किट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके प्रोवाइड कर देगा। अब बात करते हैं जो 9 में है, वो आपको डायोड्स चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा। इसमें आपको 4 डायोड यहाँ पे लग जाएंगे, जो कि डायोड का रेटिंग होगा 4007 होंगे। डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, हमने इस पर भी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। अब 10वां नंबर पे, जो 10 नंबर पे बात करते हैं, वो आईसी है, जो कि इस आईसी में आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो रेटिंग है वो मिटा दिया गया है। पता नहीं ऐसे कंपनी वाले क्यों किया है, वो तो हमें भी पता नहीं है, शायद आपको पता होगा तो बता दीजिएगा। 11 नंबर पे चाहिए आपको 12 वोल्टेज में सप्लाई देना है। और जो 12वां नंबर होगा, इसमें 6 कनेक्टर चाहिए, जो कि वायर कनेक्टर, आप उसमें वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो 13 में चाहिए आपको पीसीबी बोर्ड चाहिए, जो कि पूरा नाम पीसीबी का होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप यहाँ पे सादा यूज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पास प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो होंगे नहीं, जिसमें ऑलरेडी पहले से ही कनेक्शन किया हुआ होगा, तो आप ब्लैंक 16 का यूज कर लीजिएगा, जो कि आप इस प्रकार इसमें इस इमेज में दिखाया गया। तो चलिए, इसको अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इस सर्किट का जो लिंक है हमने इस वीडियो में दे दिया है, आप जाकर वहां से परचेस कर लीजिएगा, जो कि अमेजन पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। और या तो फिर चलिए मेरे साथ आप लैपटॉप का स्क्रीन पे, वहां पे आपको दिखाते हैं इसका दाम कितना है, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उस सर्किट को मंगवा लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि हम आ गए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देखिए, डायरेक्ट आप जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस अमेजन वाला साइट पे। और यहाँ पे देखिए, इसका अभी प्राइस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी करंटली अनलेबल है, लॉकडाउन की वजह से अभी आ नहीं पाए गए, तो इसका प्राइस लगभग 900 कुछ रुपए रहते हैं। हमने देखे थे इसे कुछ दिनों पहले, देखे थे 900 कुछ रुपए थे इसका प्राइस। तो इसके साथ एक रिमोट भी आपको देगा, और फिर इसमें आपको 12 वोल्ट सप्लाई देना होगा, और फिर आप इसका कनेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये IR5 चैनल रिले बोर्ड विथ रिमोट किट, और भी कुछ यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख लिए कि सर्किट जो IR सर्किट है, IR रिमोट कंट्रोल सर्किट जो है 5 चैनल वाला,
वो इसका दाम देख लिया हम लोग और इसमें कौन से कंपोनेंट्स के यूज किए गए हैं वो देख लिए, लेकिन इसका आईसी के बारे में अभी पता नहीं है। अगर पता लग जाएगा तो इससे वीडियो ला दूंगा। तो आप लोग में से कौन कौन से इसे बनाने के लिए ट्राई किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम इससे वीडियो लाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।